नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल में सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों में इस दिन से दीपावली की छुट्टियां निर्देश जारी। दिग्गज कांग्रेस नेता जीएस बाली की पार्थिव देह पहुंची कांगड़ा, अंतिम दर्शनों को उमड़ी भारी भीड़। हिमाचल कांग्रेस कार्यालय में जीएस बाली को अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन, सभी कार्यक्रम किए रद्द। हिमाचल उपचुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन, मंत्री मारकंडे और जिया लाल के खिलाफ शिकायत दर्ज। दुनिया के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ पर मतदाताओं में दिखा जोश, पारंपरिक परिधानों में पहुंचे वोटर्स। हिमाचल की जनता को पसंद है सरकारी मिठाई, दिवाली और भाई दूज पर मिल्कफेड बेचेगा 500 क्विंटल स्वीट्स। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों में रविवार से दीपावली की छुट्टियां रहेंगी। स्कूलों में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में 8 दिनों की छुट्टियां दी हैं। निजी स्कूलों में छुट्टियां करने का फैसला जिला उपायुक्तों को सौंपा गया था। शनिवार को सभी जिलों के उपायुक्तों ने 7 नवंबर तक निजी स्कूल कॉलेजों में भी दिवाली की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। अब प्रदेश भर के सभी शिक्षण संस्थान आगामी सप्ताह बंद रहेंगे। उपचुनाव वाले क्षेत्रों मंडी संसदीय सीट सहित फतेहपुर अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले शिक्षण संस्थानों में शनिवार से ही ये छुट्टियां शुरू हो गई हैं। हिमाचल के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीएस बाली का पार्थिव शरीर शनिवार दोपहर बाद कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचा। यहां उनको श्रद्धांजलि देने वालों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जीएस बाली की पार्थिव देह को हवाई मार्ग से दिल्ली से कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचाया गया। गग्गल एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा उनकी देह को उनके घर लाया गया। जीएस बाली का रविवार को नंदी की ईश्वर धाम चामुंडा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी पार्थिव देह को रविवार को अंतिम दर्शनों के लिए नगरोटा भगवा स्थित ओबीसी भवन में रखा जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जीएस बाली के निधन पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शोक सभा रखी गई, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर एवं कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि जीएस बाली के निधन से कांग्रेस पार्टी ने एक कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ और लोगों के प्रति समर्पित नेता को खो दिया है, जिसकी कमी कांग्रेस पार्टी में हमेशा खलेगी। पूर्व मंत्री जीएस बाली के निधन के कारण उनके सम्मान में प्रदेश कांग्रेस ने आगामी 5 दिनों तक अपने सभी तरह के कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट के अलावा जुब्बल कोटखाई, अर्की और फतेहपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनावों के लिए शनिवार सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था। निर्वाचन अधिकारी अरिंदम चौधरी ने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र में शाम 5 बजे तक 49.83% मतदान हुआ है। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 62.40%, अर्की विधानसभा क्षेत्र में लगभग 61%, जबकि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में 66.10% मतदान हुआ है। सीएम जयराम ठाकुर ने अपनी गृह पंचायत मुरहांग के भराड़ी स्कूल स्थित मतदान केंद्र में पहुंचकर लोगों के बीच कतार में खड़े होकर लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान किया। मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने नंगवाई और कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने रामपुर में मतदान किया। हिमाचल में शनिवार को मंडी लोकसभा सीट सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान के बीच आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। मंडी संसदीय क्षेत्र में लोकसभा सीट के लिए भरमौर में हो रहे मतदान में भरमौर के विधायक जिया लाल पर मतदान केंद्र में जाकर वोट मांगने का आरोप है। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी के लिए वोट मांगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडे के खिलाफ शिकायत सौंपी है। शिकायत में कहा है कि रामलाल मारकंडे पोलिंग बूथ के भीतर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे।
मंडी लोकसभा के चुनावों में जहां मतदान करने के लिए ग्रामीण अपने अपने मतदान केंद्र में पहुंचे, वहीं बर्फीली वादियों में भी जनता के बीच मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। लाहौल स्पीति जिले के काजा उपमंडल में भी दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशुगंग में सुबह से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। यहाँ मतदाताओं के स्वागत में चुनाव आयोग ने रेड कार्पेट बिछाया था। 15,426 फीट की ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। काजा प्रशासन के टशिगांग मतदान केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया था। यहां पर पोलिंग कर्मियों ने पारंपरिक परिधान में मतदाताओं का भी स्वागत किया। टशिगांग में कुल 47 मतदाता हैं, जिनमें 29 पुरुष और 18 महिला मतदाता हैं। सभी मतदाता पारंपरिक परिधान में सज धज कर मतदान केंद्र पहुंचे और यहां पर सभी मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया। आम जनता को वाजिब दाम पर मक्खन और देसी घी उपलब्ध करवाने वाला सरकारी उपक्रम हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड इस बार दिवाली पर 500 क्विंटल से ज्यादा मिठाई बेचेगा। ये पिछले साल के मुकाबले 100 क्विंटल अधिक है। आलम यह है कि मिल्कफेड द्वारा तैयार की गई मिठाइयां एक हफ्ते के भीतर ही बिक जाती हैं। लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं। ये शुद्धता की गारंटी भी देती है। कारण ये है कि मिल्कफेड दिवाली से पहले इन्हें बनाना शुरू करता है और इन मिठाइयों के डिब्बे पर एक्सपायरी डेट भी अंकित होती है। मिठाइयां शुद्ध देसी घी से बनी होती हैं। सबसे अधिक डिमांड पंजीरी की होती है। इसके अलावा बर्फी, बेसन के लड्डू और काजू बर्फी भी खूब बिकती है।